हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, एक बात आपको ये जान के बहुत दुख होगा कि गूगल मैप के लगाने के बाद एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर भी या कहाँ पर भी देश विदेश में भी लोग को एड्रेस की जानकारी, पते की जानकारी नहीं होने के कारण गूगल मैप के जरिए उस जगह पर डेस्टिनेशन तक पहुंचता है आदमी। आप वहां पर भी मोबाइल भी खोलिएगा, ओला उबर में भी, तो आपसे पूछेगा वेयर, मतलब आप कहाँ जाना चाहते हैं, डेस्टिनेशन कहाँ है, वहां पर भी आप बताइए, वो पूछता है। अब उबर ओला वाले भी हमारे यहाँ जितना भी है सभी गूगल के मैप से ही चलता है। गूगल बहुत फेमस हो गया है नेविगेशन के हिसाब से भी, तो गूगल मैप के कारण एक जगह इतनी बड़ी इंसिडेंट हो गई कि जान के बहुत दुख लगता है। गूगल मैप की गलती से गई 3 युवक की जान, तीन बच्चे का जान चला गया। यूपी के बरेली में गूगल मैप्स जो है फॉलो करते हुए थ्री बॉयज वो अपने टूटे हुए पुल पर कार लेके उस तरह गूगल मैप का रास्ता दिखा रहा था। वो कार के स्पीड में था, कार चला रहा था और तेजी से चलता हुआ जो टूटा हुआ पुल है, मतलब बना हुआ जो टूट गया था बारिश में या बाढ़ में या अधूरा बना था, जो भी कारण था कि टूटा हुआ पुल था, उसमें गिर गई कार। युवक का मौत का कारण बना मैप। ये आम आदमी या वहाँ के आदमी का, बरेली का कहना है। इस घटना के बाद ये सवाल उठ रहा है कि इस हादसे में गूगल मैप्स की गलती है। तो गूगल मैप्स का आखिर कैसे काम करता है इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। गूगल मैप्स का रास्ता देखकर शादी में जा रहे 3 युवक, ये लोग जो तीनों लड़के थे वो किसी के मैरिज में फंक्शन में जा रहा था, कार से वो जो टूटा हुआ पुल था उधर ही उसका रास्ता गूगल मैप दिखाया और वो ड्राइव करके उधर चला गया और वो ऊपर से नीचे गिर गया। यूपी के बरेली में 19 नवंबर को ये घटना हुई। जब नेविगेशन ऐप के ज्यादा निर्भर होने के कारण किसी को अपना जान गंवाना पड़ा। युवक ने नहीं हुआ, कारण है कि हर किसी को भी किसी का एड्रेस पता सब कुछ देखने के लिए हम लोग गूगल मैप का सहारा लेते हैं। गूगल मैप के जरिए ही हम लोग रास्ता का पता करते हैं। रास्ता पता करने के बाद फिर हम लोग जो है उधर उधर गाड़ी लेके निकलते हैं। तो ये कॉमन बात हो गया है। ओला उबर वाला भी ये गूगल मैप में ये एक हादसा हो गया, लेकिन दूसरे साइड से देखिए तो गूगल मैप बहुत सही साधन है हमारे रास्ता को दिखाने का। रास्ता ही नहीं, वो ट्रैफिक है कि नहीं उस लाइन में वो भी दिखाता है। रेड कलर का उसमें हो रहा है तो रेड भी दिखाता है कि रेड है, इधर आपका ट्रैफिक है। तो दो दो तीन तीन वो कोशिश करता है गूगल मैप के जरिए आपको कि उस रूट पे ले जाएं जहां ट्रैफिक कम। तो गूगल मैप को आप अच्छे सेंस में लीजिए तो अच्छा भी है। और इस सेंस में इंसिडेंट हो गया, इसका मैं ये नहीं करती, इसका दुख है, सही बात है कि, लेकिन क्या है कि अगर रास्ता देखने का हो रहा है, नाइट के टाइम हो, रात के टाइम तो गिर सकता है, उतना स्पीड में चलाने के बजाय अगर रास्ता देखना हो तो आराम आराम से जाके चला के जा सकते। तो ये तो एक इंसिडेंट है, इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसमें मैं ज्यादा अपना टिप्पणी नहीं देना करना चाहती हूँ। इसमें बहुत दुख है, मुझे भी दुख हुआ, लेकिन गूगल को दूसरी तरफ से देखिए तो हर देश विदेश में, अमेरिका, इंग्लैंड में, कहीं भी, लंदन में, अब भारत में, हर जगह
सबसे पहले गाड़ी में बैठते ही लोग गूगल मैप लगाता है। गूगल मैप लगा के चाहे आपको किसी के शादी के फंक्शन में जाना हो, या किसी होटल का पता करना हो, या किसी के घर का पता करना हो, या आपको मार्केट का पता करना हो, कोई भी चीज एक्स वाई जेड सब गूगल मैप में आदमी का, गूगल मैप से पर ही आदमी का निर्भर कर रहा है। आज के टाइम में इतना व्यस्त लाइफ में आदमी को इतना टाइम नहीं है कि हर जगह घूम के एक्सप्लोर करे, एक्सप्लोर नहीं कर सकता है। तो उसके लिए क्या करता है, कहीं भी जाना हो, किसी से मिलना जुलना हो, कहीं एड्रेस हो, या कहीं किसी का कॉलेज हो, स्कूल हो, कोई भी चीज, आप सोच सकते हैं कि एक्स वाई जेड, मतलब कहने का मतलब कुछ भी, आपका ऑफिस हो, घर हो, रिश्तेदार का घर हो, कहीं फंक्शन में जाना हो, होटल है, रेस्टोरेंट है, एयरपोर्ट है, डिस्टेंस क्या है, मतलब सारा कुछ आपको बताता है। कितने, यहाँ तक बताता है कि आप कितने घंटे में आप वहां पहुंचेंगे, टाइमिंग भी आपको बता देता है, टाइमिंग नोट करा देता है, आपको ट्रैफिक है कि नहीं वो बताता है, आपको जानकारी देता है कि कहाँ पर जाना है, किस की डायरेक्शन से जाना है वो बताता है। तो गूगल मैप का बहुत ही हमारे दैनिक जीवन में जो है बहुत उसका सहयोग है। गूगल के बिना आदमी का जो है लाइफ रुक जाएगा, कहने का मतलब जितना फोन जरूरी है, मोबाइल जरूरी है आदमी के लिए, उतना ही गूगल भी बहुत जरूरी है। किसी चीज की जानकारी लेनी है, किसी दवाई का लेना है, किसी चीज का लेना है कि किसमें क्या कौन, किस चीज का क्या कॉम्बिनेशन है दवाई का, दवाई का क्या यूज है, दवाई का क्या क्या फायदा है, दवाई का क्या नुकसान है, ए टू जेड हम गूगल मैप में देखते हैं। उसी तरह अगर मेरे हम लोग को कहीं जाना है, नेविगेशन हमारा कितना टाइम लगेगा, उधर रास्ते में ट्रैफिक है कि नहीं, कितना डिस्टेंस है, हम लोग कब वहां पहुंचेंगे, ये सारा डिटेल पहले ही आपको घर से चलने निकलने से पहले गूगल दे देता है। तो गूगल फायदा भी है, इस मामले में नुकसान भी बोल सकते हैं, जो हुआ बरेली में हादसा नुकसान कर सकते हैं, लेकिन फायदा भी हम लोग के लिए गूगल बहुत है। गूगल के बिना हर कोई का, हर गाड़ी वाला आजकल कोई कह नहीं सकता है, जिसके पास कार है या किसी के पास ट्रक है, व्हीकल है, ऑल व्हीकल में गूगल का इस्तेमाल, गूगल ऐप का बहुत होता है। वो जो है पूरा छा गया है, पूरा मार्केट को पकड़ लिया है। तो गूगल ऐप जो है, गूगल के सहारे ही हम एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंच पाते हैं। तो गूगल बहुत यूजफुल है, बट ये इंसिडेंट बहुत खराब हुआ है। इस तो इसमें जो है पता एड्रेस हर चीज का, तो ये बरेली का एक जो घटना हुआ है उसके लिए बहुत दुख है कि वो युवक को उस रास्ता में दिखाया जहां पर टूटा हुआ पुल था। तो बस इतना ही, गूगल मैप यूजफुल है, लेकिन कभी कभार कोई यूजफुल चीज भी गड़बड़ कर जाती है। तो वही इंसिडेंट हुआ, जो यूजफुल चीज भी कभी कभी, जैसे कभी कभी टॉनिक भी खाइए तो वो भी रिएक्शन कर जाता है, उसी तरह गूगल मैप भी कभी कभी तो क्या है कि आप किसी डायरेक्शन में जाएंगे, मान लीजिए आपका डेस्टिनेशन ये है, तो आपको इधर से भी गूगल, इधर अगर चले गए तो इधर से भी गूगल दिखाएगा आपको, इधर से भी गूगल दिखाएगा। तो वही अगर रास्ता भटक जाते हैं तो फिर गूगल भी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह में गूगल बहुत इफेक्टिव नहीं है। मैंने देखा बहुत जगह नहीं है, छोटे छोटे जगह में गूगल का उतना ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं है। बड़े बड़े सिटी में तो कंट्रोल है इसका, ये सब जगह, लेकिन छोटे छोटे जगह में, मैं भी कहीं कहीं गई हूँ गूगल मैप लगा के, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है गाड़ी में। बड़े जगह में जो है, जैसे NCR है, बड़े सिटी में है आपका, कहीं का कैपिटल है, कहीं का बड़े बड़े सिटी में, इंडिया के बड़े बड़े सिटी में पूरा इफेक्टिव है, लेकिन छोटे जगह में आप जाए, छोटे जगह के इंटीरियर में, रिमोट में आप जाएंगे तो उतना इफेक्टिव नहीं है। अभी मैं मंदिर भी गई थी तो मंदिर का भी दिखाने में वो कंफ्यूज कर रहा था। तो कहीं कहीं गूगल मैप भी कंफ्यूज हो जाता है,
उस कारण ये हादसा हुआ है। तो तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आपके लिए आती रहूँ।